आने वाली हैं, आप सबको खानदान सदरुल अफाजिल खानवादे नईमिया की जानिब से मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाली ईद को आप लोग अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, अच्छी बात है। बिलखसूस अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में जो गरीब हैं, जो बेचारे किसी वजह से जिनके घरों तक आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमें नहीं पता चलता, हम उनके ऊपर को देखते हैं, जाहिर को देख लेते हैं, बातिन को बहुत से लोग देखते भी हैं तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि हमारी ईद के साथ साथ उनकी भी ईद हो जाए, उनकी दिलजोई का कुछ सम्मान करें और अपने फितरे का, अपनी ज़कात का ये ख्याल ना करें कि ईद आएगी तो हमें निकालना है। ज़रूरतमंद तक आप ईद से पहले ही आप ज़रूरत का सामान पहुंचा दें। ज़रूरतमंद हो सकता है कि आपके कुछ इमदाद करने से उस बेचारे गरीब का भला हो जाए और उसके बच्चे आपको दुआएं दें। तो ये ईद की खुशियाँ सिर्फ अपने घर तक समेट कर ना रखें, बल्कि इस खुशियों को लेकर आप बाहर निकलिए और अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारीब में, अपने भाई बहनों में इस खुशियों को बांटिए, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला इस मुबारक मुकद्दस महीने के जो हमने रोज़े रखे हैं अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इस मुकद्दस ईद के दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और तौफीक अता फरमाए और ये माह मुकद्दस हमें फिर से नसीब फरमाए और हम इसका अदब व एहतराम के साथ, तुश्क व एहतिशाम के साथ हम इसमें फिर जी लगाकर दिलजोई के साथ इबादत कर सकें। इसी मैसेज